जनाब आज मैं आपको अमृतसर के ऐसे दो सिख भाइयों से मिलाने जा रहा हूँ जो उम्र में तो बहुत छोटे हैं लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरु की नगरी अमृतसर के ऐसे दो सिख भाइयों से जो पहले स्कूल जाकर स्टडी करते हैं और स्कूल से आने के बाद एक कार चला रहे हैं और अमृतसरियों को 10 रुपए 20 रुपए में बहुत बढ़िया जायका दे रहे हैं। और ये मैं पहुंच गया जी मेरे दो सिख प्यारे से भाइयों के पास। और सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? बहुत बढ़िया, तुसी सुनाओ। और बल्ले बल्ले की हुई है जी? है हाँ जी, हाँ जी। और जनाब इधर आए और इस चेक करें, बड़ा सा तवा है जिसके ऊपर बेमिसाल जायका बनाया जा रहा है जिसे बोला जाता है जी, की क्या जानता जी? इन कहते हैं बंद छोले। बंद छोले? हाँ जी, ये बंद में छोलों की फिलिंग होती है, आलू छोलों की। हाँ, तड़का ला के फिर मतलब आप दे दें। क्या बात है जी। और जनाब मैं आपको बता दूं, जो बड़े भाई साहब हैं, आपकी उम्र कितनी है जी? कितनी उम्र है थोड़ी? मेरी की 16 साल। 16 साल। और जो दूसरे मास्टर शेफ है, थोड़ा नाम की है जी? ईशानजीत सिंह। ईशानजीत सिंह। और उम्र? उम्र 8 साल। क्या बात है जी। तो ईशानजीत सिंह और बड़ा भाई, जब मैं यहाँ पर पहुंचा मैंने देखा बड़ी सी कार्ट है, उसके ऊपर सामान है और दूर से खींच कर ला रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके हौसले बड़े हों उनकी कभी हार नहीं होती है। तो बहुत बहुत अमेजिंग भाई। अच्छा, इसकी कीमत कितनी रहती है बड़े भाई? इसकी कीमत है 10 रुपये। सिर्फ 10 रुपये? हाँ जी। तो 10 रुपये में जनाब बन लिया जाता है और आलू रहते हैं, छोले रहते हैं, उसका तड़का लगाया जाता है और बेमिसाल है कि चटनियों के साथ। सिर्फ और सिर्फ दोनों भाई यहाँ पर 10 रुपए में दे रहे हैं। इन्हें सस्ता क्यों? बस गुरु की नगरी अमृतसर, ये बस बच्चे मतलब कि जो भी पसंद करते हैं, बंद छोले खाते हैं बच्चे। हाँ, तो वो इस करके फिर अपना रेट 10 रुपए रखा क्योंकि उन्होंने फिर घरों पैसे केवल घट मिलते हैं। क्या बात है। और बच्चे मैं देख रहा हूँ जी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीर हैं। स्वाद होता सामान? क्या बात है जी। और पहले स्कूल भी जाते हो? हाँ जी, स्कूल भी जाइए जी। और स्कूल से आने के बाद काम? हाँ जी। तो भाई ये बताओ, थकावट नहीं होती है? थकावट होती है, पर जब अपने सपने पूरे करने फिर उधर ही काम तो करना ही पड़ना। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ये बताओ आपका सपना क्या है? सपना है जी मेरा, मैं मतलब पढ़ लिख के अफसर बनना चाहता हूं। अरे वाह, तो पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करके ऑफिसर बनना है। वाह जी। और छोटे भाई, तुम्हारा की सपना है? मेरा पायलट। पायलट बनना है? हाँ जी। पायलट बन के की करना? मैं पायलट बन के जहाज चलाना है। क्या बात है जी। छोटा भाई पायलट बनना चाहता है और जहाज उड़ाने आप। हाँ, एक तो सपने बहुत बड़े हैं मेरे भाइयों के, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी छोटी एज में स्टडी के साथ साथ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 7 से 8 घंटे यहाँ पर मेहनत करते हैं। और वो चेक करें, हमारा जो बन है, स्पेशल बन है, मसाले वाला बन, वो रेडी हो रहा है। तो ईशान जीत जी, मैंने ये दसो, सारे थोड़े दोस्त ही ने? हाँ जी। खेडते भी होना ना? नहीं, खेडन का दिल नहीं करता? करदा है, पर मजबूरी आ गई है, काम करना पड़ा है। काम करागे तो पायलट बनागे। अरे मेरे भाई, तेरी बातें और तेरी स्माइल इतनी प्यारी है ना, तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कौन सिखाता है? आप ही आ जाती है। और मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बर्तन उठाकर आप ला रहे हो, बड़ी सी काट ऐसे रेड़ दे पे हो, थकावट नहीं होती? थकावट थोड़ा ना होनी, काम तो छोटा वड्डा थोड़ा ना होता है। अरे मेरे भाई यार, तेरी बातें बड़ी प्यारी है। आप डेफिनेटली जहाज उड़ाओगे जी? हाँ जी। ठीक है, मेरे घर की छत से लेकर जाना है अपना एरोप्लेन, पक्की गल है? और कभी कभी दिल करता है आपका बर्गर खाने का? ये करता है। खा लेते हो फिर? नहीं, बाद पहले बाद में चीज के दो बात ही अंदर फिर खा लेते हैं। अरे यार मेरा भाई, आज आपने मेरे साथ खाना है? ठीक है, पक्की बात है, चैलेंज मेरे साथ। कितने खा लोगे? मैं एक बस। अरे यार, तो जनाब बच्चे हैं, बड़े प्यारे मेरे भाई हैं और बातें बड़ी प्यारी हैं, बड़े भाई की भी, छोटे भाई की भी। मोमोज भी बड़े लोग की खा रहे ने आपके पास आकर? हाँ जी। तो मोमोज भी खिलाए? अरे भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है। और कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? अपन 1 मंथ हो गया जी। 1 महीना हुआ है? 1 महीना हो गया। और मैं देख रहा हूँ 1 महीने में बच्चों ने इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ना, हाथ जल जाते हैं बार बार जब बर्गर बना रहे होते हैं, मोमोज बना रहे होते हैं। लेकिन अमेजिंग है यार। और अच्छा, मोमोज कौन कौन से होते हैं आपके पास? अपने को वेज होते हैं, मलाई होते हैं, स्टीम होते हैं, पनीर होते हैं। तो आपके मलाइज मोमो मैं देख रहा हूँ बड़े लोग बच्चे खा रहे हैं। हाँ जी। तो बनाएं आप मेरे लिए भी। और एक प्यारी चीज़ है कि दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े रहते हैं और कोई भी ऑर्डर आता है, बड़ा भाई उसको बनाता है, जो छोटा भाई है उसको सर्व करने के लिए जाता है। ये अमेजिंग बात है। और लड़ाई भी होती है छोटे वीर आपस ही कभी कभी?
रोज ही होती है होती है रोज लड़ाई होती है कभी 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 ये ले कोड़ देता है अरे मुझे लगता आप उसको मार देते होंगे हां नहीं अभी मैं काट दूंगा ये भाई बहुत शरारती है वो भाई थोड़ा सेंसिटिव है और ये हमारे बन रहे हैं जी मलाई मोमोज वाह स्टीम मोमोज आगे अब जा रहे हैं जो उसमें बटर जा रहा है और ये आगे जी और क्रीम भी अमूल की हाँ जी क्या बात है जी और कितने रुपए की ये हाफ देते हो ये हाफ 30 देगी ये 30 रुपए के भी दे देते हो अमूल की क्रीम डालकर हाँ जी तो भाई साहब इनका बिजनेस जो है अलग लेवल का है 10 रुपए का बन और 30 रुपए के मोमोज और ये आगे जी हमारे मलाई मोमोज हाँ जी ये हो गया था डेरेडी मोमो और इधर आए और ये चेक करें इसमें कॉर्न्स हैं मोमोज हैं मलाई है बटर है दो सॉसेस हैं और मेरे छोटे भाइयों का बहुत बहुत प्यार और मेहनत है तो ये आ गए जी थैंक यू जी सिंह ब्रदर्स के स्पेशल बन और मसाले वाला बन भी इसको बोला जाता है स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इसकी कीमत है बड़ी ख़ास है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये मेरे हाथों में दो बन है दमन का अलग से मंगाऊँगा लेकिन दूसरा है इधर आओ सरदार जी जब मैं यहाँ पर आया जब ये सामान बना रहे थे तो मैंने भाई से पूछा था स्वाद लग देना बन यहाँ फड़ो मेरे नाल फड़ो और खाइए अपन नहीं ना खाना अरे थोड़ा सा खा ली यार और इधर आए और ये चेक करें आप बीच में सॉसेस है मसाला है और जो कीमत है कितनी 10 रुपये हाँ जी सिर्फ 10 रुपये हाँ अरे वाह खाए फिर चलो तो बहुत स्वाद है यकीन मानिएगा बड़े बड़े दुकानों पर हम जाते हैं कम से कम बर्गर की कीमत भी 50 से 60 रुपए रहती है लेकिन मेरे ये छोटे दो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं स्कूल से आने के बाद और जो कीमत रखी हुई है सामान की 10 रुपए और जो मोमोस है सिर्फ 30 रुपए 50 रुपए बहुत स्वाद है इन्हें स्वाद कितना बना देंगे इन्हें बनाई था क्या बात है इसकी बातें बहुत प्यारी हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा है और बड़े भाई साहब बहुत स्वाद बने मज़ा आ गया और आपसे जनाब खैर जायका तो बढ़िया है ही है लेकिन उससे बढ़िया चीज़ है कि इतनी छोटी उम्र में मेरे ये दो छोटे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं स्कूल से आने के बाद ये बहुत बड़ी बात है तो आपसे मैं बस इतना ही बोलूँगा जनाब एक बार 10 बार 20 बार 50 बार कि ऐसे जो हमारे छोटे से भाई हैं कोई भी है कोई भी भाई है उसको आप प्लीज़ 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 हेल्प करें सपोर्ट करें और सपोर्ट यही है कि इनके स्टार्टअप पर आएँ और 40-50-30 रुपए का कुछ भी खाएं खैर 10 रुपए से शुरू हो जाता है और जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन की है लोकेशन है अपनी चाटीविंड नहर कोट अमीत सिंह भाई मांझ रोड माता गंगा जी नगर एक है जी अपना नाखा नियर नाखा वाला बाग और किन्ने तो किन्ने ये होंगी अपनी टाइमिंग 6 to 10 तक मोबाइल नंबर भी बोल दो 9988131326 तो एक बार आप बोलिए दोनों जाने एक बार साढ़े को आए हो कह दिए चलो बोलिए एक बार साढ़े को जरूर आयो जी बन खान जरूर आना है तुसी और पायलट देख लो आने वाले कल का पायलट है पायलट बनना ना आप हाँ जी चलिए बाय जी प्यार दीजिएगा बच्चों को वीडियो को थैंक यू सो मच लव यू ऑल